शांति, ओम शांति, ओम शांति। नक्की हमारे और भी मेहमान भी आ चुके हैं, उनके पहले हम अपना ही थोड़ा अनुभव शेयर कर लेंगे। हम इस ज्ञान बताया बलसार माना साउथ गुजरात का लास्ट डिस्ट्रिक्ट है, फिर महाराष्ट्र शुरू होता है। बलसार से बॉम्बे 200 किलोमीटर है। तो हम सूरत से हैं, हमारे लौकिक अलौकिक जन्म भूमि सूरत है। सूरत बलसार सबसोन है, पूरा गुजरात के अंदर 12 सबसोन है, जिसमें एक है ये सूरत बलसार सबसोन। ये ज्ञान हमने सूरत से प्राप्त किया 1977 में, और उस समय पर सूरत के अंदर बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। और वो समय था जैसे आजकल कॉन्फ्रेंस आदि होते हैं, तब मेले होते थे 15-15 दिन के बड़े शहरों के अंदर। तो ऐसे ही सूरत के अंदर बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था, और उस मेले के अंदर हम वो मेला देखने गए थे। पहले से ही बचपन से ही एक भक्ति के संस्कार हमारी ग्रैंड मदर से ही मीरा की तरह मिले हुए थे। जब हम 10 साल के थे तो बचपन से ही कृष्ण की भक्ति आदि करते थे, और घर का वातावरण भी एक धार्मिक वातावरण कि जहाँ हर 11 पर सत्यनारायण की कथा होती थी, भागवत आदि होता, तो एक धार्मिक वातावरण था। जब हम 20 साल की पढ़ाई पूरी करके घर में ही थे, और वही टाइम था जब ये मेला लगा था, तो परिवार के साथ मेला देखने गए थे। चलते चलते सुन लिया, इंटरेस्ट तो नहीं था ऐसे, कोई नाम भी किसी कभी सुना नहीं था, न कभी ये बहनों को देखा हुआ था, तब ब्रह्मा कुमारी की कोई प्रत्यक्षता नहीं थी, तो ऐसे ही कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन मदर ने कहा कि चलो, तो चल दिए। तो वहाँ मेला देखते देखते सुन लिया कि राज्योग शिविर ये तारीख से शुरू हो रही है, फॉर्म भराओ, नाम नोट कराओ। तो बस वो सुन लिया था, कोई फॉर्म नहीं भरवाया, कोई नाम नहीं नोट करवाया। लेकिन देखो, भगवान को खींचना होता तो कहीं से भी खींच लेता है। तो उस तो जो दिन थे, अचानक मुझे वो डेट मेरी बुद्धि में आई कि आज से ये शिविर शुरू हो रही है, दोपहर का बहनों का स्पेशल टाइम रखा है। तो हमने अपनी मदर से कहा कि मैं वो शिविर करने जाऊं, मुझे सुनना है वो क्या सुनाते हैं। और ऐसे करके हम शिविर में गए। पहले दिन जैसे आत्मा का लेसन सुना, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जो मेरा हमेशा होता, कोई भी बात एक बार सुनती हूँ तो हमेशा उसकी डेप्थ में जाती हूँ। तो घर आकर के भी मैंने वो आत्मा समझने का अभ्यास किया, ये सब कुछ किया, जैसे होमवर्क देते हैं। दूसरे दिन जब परमात्मा का परिचय सुना, तो वहाँ पर मेरे सारे संशय मिट गए जो भक्ति में मेरे थे, और वो था भगवान कौन है। क्योंकि मैं भक्ति बल करती थी कृष्ण के, लेकिन जब ये अनेक सत्यनारायण की कथा, ये संतोषी माँ का व्रत, ये जब मैं सुनती थी तो मेरे मन के अंदर होता था कि आखिर भी इसके ऊपर कौन है। जैसे भी सत्यनारायण की कथा, तो लीलावती कलावती ने व्रत किया, तो उन्होंने सत्यनारायण का व्रत किया, तो हम लीलावती की बातें सुनते हैं, लेकिन उन्होंने कौन सा व्रत किया, मतलब इसके ऊपर भी कोई और है। संतोषी माँ की कथा सुनते थे कि उसने बहू ने संतोषी माँ का व्रत किया तो उसका दुख दूर हुआ, तो बहू ने कौन सा व्रत किया, हम बहू की कथा सुनते हैं तो बहू ने किसकी कथा सुनी, तो और उसके ऊपर कोई है। तो ये हमेशा मन के अंदर चलता था। लेकिन बताए ना, भक्ति में तो जो होता है सतवचन महाराज, कभी किसी को पूछना नहीं होता, बोलना भी नहीं होता है। लेकिन जब यहाँ पर मैंने परमात्मा का परिचय सुना, तो अंदर से एक निश्चय हो गया कि यही सत्य ईश्वर है। और तीसरे दिन जब योग क्या है और योग से क्या प्राप्ति होती है, जब ये 3 दिन की शिविर ही किया और इतना निश्चय हो गया, एक जीवन का लक्ष्य पक्का हो गया, मुझे यही जीवन बनाना,
तीसरे दिन ही मैंने अनुभव, जब सबको बोलते थे अनुभव सुनाना है, तो मैं जानती नहीं हूँ, परिवार से कोई आते भी नहीं थे, मैं अकेली आ रही थी शिविर के अंदर भी, लेकिन फिर न ब्रह्मा कुमारी क्या है जानती हूँ, लेकिन बोल दिया मुझे यही जीवन बनाना है और इसके जो भी आगे क्लासेस है मैं सब क्लास करूँगी। और इस रीति से फिर तो ज्ञान शिविर किया, आगे धारणा शिविर कंटिन्यू मुरली तक पहुँच गए, मुरली भी शुरू कर दिया। ऐसा करते करते थोड़ा टाइम तो 4 मास तो घर से भी जाने दिया कि चलो ठीक है, क्योंकि माता जी को ऐसे था कि थोड़ा दिन जाएंगे शौक पूरा हो जाएगा बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो तो यही होता है ना। तो लेकिन मेरा इंटरेस्ट बढ़ता जाता था, मुझे था कि मैं यही जीवन बनाना है, तो मुझे खुद को इसकी गहराई को जानना चाहिए। तो मैं जब भी सेंटर पर जाती थी कोई एक नई बुक खरीद के आ जाती थी पढ़ने के लिए, और ऐसे एक के बाद एक जो भी बुक्स थी लिटरेचर था पढ़ती जाती थी, तो मेरा तो इंटरेस्ट बढ़ता जाता था। हाँ, मुझे परिवार से सेंटर की बहनों से मुझे बहुत सहयोग मिला, क्योंकि एज थी मेरी शादी की 20 साल के, और परिवार से कोई ज्ञान में नहीं थे, मैं अकेली चलती थी। तो उस समय पर मुझे वो सेंटर की बहनें ही गाइड कैसे युक्ति से चलना है बंद कर देंगे, तो बहनें मुझे हर प्रकार से गाइड करती रहती थी, सहयोग करती रहती थी, और वैसे मैं चलती थी। तो 4-6 मास हो गया, तो फिर एक दिन मेरे माता जी ने मुझे पूछ लिया, अभी आपका शौक पूरा हुआ कि नहीं। मैंने कहा मैं कोई शौक के लिए नहीं जाती हूँ, मैं मेरा जीवन बनाने के लिए जाती हूँ। तो वही बात माता जी ने वही कहा कि लेकिन लोग बातें करते हैं कि तेरी बच्ची ब्रह्मा कुमारी में जाती है, ब्रह्मा कुमारी में जाते वो शादी नहीं करते हैं, ऐसा है वैसा है, लोगों की बातें। मैंने कहा मैं मेरा जीवन बनाने के लिए जाती हूँ। जिस दिन आपके पास ये बात आए कि आपकी बेटी कोई ख़राब रास्ते पर गई या जा रही है, उस दिन से मैं जाना बंद कर दूँगी। मैंने ही कहा उस दिन से मैं जाना बंद कर दूँगी। अब क्या जवाब दें, माता जी भी कुछ नहीं बोले। तो फिर कंटिन्यू चलता रहा चलता रहा। बीच में परिवार वालों से शादी के लिए भी दबाव आया, वो भी पेपर आया, वो भी पास कर लिया, बाबा की मदद उसमें भी मिलती रही, वो भी पास कर लिया। ऐसे 2 साल तक हम घर से ही आना जाना करते रहे। फिर धीरे धीरे करके, क्योंकि भाई थे बड़े, तो वो यही कहते थे कि आपको जाना है तो भले जाओ, लेकिन सेंटर में रहना नहीं है, घर से आना जाना करो, क्लास करके आ जाना है, सेंटर में रहना नहीं है। लेकिन मेरा लक्ष्य था मुझे सेंटर में, क्योंकि बहनें कहती थी सेंटर में रहना वही जीवन होता है, बहनें उस रीति से मुझे तैयार करती थी। तो फिर उसी जो चल रहा था, तो मैंने धीरे धीरे करके पहले गई 2 दिन सेंटर पर रहने गई, वापस घर में आ गई, फिर वापस गई 4 दिन रह गई, फिर वापस आ गई, फिर 2 दिन रह गई, फिर वापस गई 8 दिन, ऐसे सेंटर की तरफ बढ़ाती गई और घर से कम करती गई। मैं कहाँ सेंटर में रहना शुरू कर दिया, घर वालों को भी पता नहीं चला, और ऐसे सेंटर लाइफ शुरू कर दिया। फिर भी भाई लोग यही कहते थे परिवार से कि हम आपको समर्पण की छुट्टी तो देंगे ही नहीं, समर्पण लेटर नहीं देंगे। और सेंटर में बहने कहती जब तक समर्पण लेटर नहीं हो तब तक आप समर्पित रूप से टीचर नहीं मानी जाएंगी, बहने उस रीति से मुझे कहती। हमने कहा कोई बात नहीं, मुझे समर्पण लेटर भी नहीं चाहिए, मैं सेंटर में रहूँ, मुझे तो मेरी जीवन ही बनानी है, और कोई बात नहीं है। ऐसे 3-4 साल तक चलते रहे। फिर जब सूरत के अंदर नया भवन बना और हमारी प्रकाशमणि दादी जी, गुलजार दादी जी, दोनों दादियाँ उद्घाटन के लिए आए थे, तो जब आने वाले थे तो फिर से मैंने एक बार अपने परिवार वालों से कहा कि देखो अभी तो 3 साल तो हो चुके थे सेंटर में रहते, तो मैंने कहा कि देखो अभी तो मैं सेंटर में ही रहती हूँ, लेकिन जब तक आप मुझे समर्पण लेटर नहीं देंगे तब तक वहाँ के कोई संस्था की कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी। आप मुझे एक बार समर्पण लेटर दे दो तो फिर संस्था जिम्मेवार रहती है।
पता नहीं जब मैंने उनको उस रीति से समझाया और उन्होंने उसमें भी मेरा इंटरव्यू लिया, अभी तो ठीक है, कल आप बीमार हुए तो क्या हुआ, बूढ़े होंगे तो क्या हुआ। मैंने जवाब दिया कि आपके घर में शादी करके भाभी आई है तो क्या बीमार होंगे तो परिवार पियर में जाएंगे क्या? अगर मैं बीमार हुई तो संस्था है, कुछ भी हुआ संस्था है। जब उन्होंने इन सारी बातों का क्वेश्चन पूरा इंटरव्यू जवाब दिया तब उन्होंने छुट्टी दिया, मतलब तैयार हुए समर्पण लेटर। वंडर देखो, जो बिल्कुल मानते नहीं थे जब दादियाँ आ रहे हैं और जब मैंने ये सब कुछ कहा और तैयार हुए तो उन्होंने ही डिसाइड किया कि जब उसको अभी वही उसके जीवन का लक्ष्य है तो क्यों नहीं उसकी शादी करते थे, तो जो खर्चा होता था तो उसके निमित्त जो भी हमें देना है क्यों नहीं उसको दे देवे करते हैं, दहेज देते हैं। तो उसी रीति से मैंने एक चीज़ भी नहीं मांगी है घर वालों से, लेकिन उन्होंने ही सामने से, अब वो तो अज्ञानी है उनको पता भी नहीं है कि क्या क्या करते हैं, लेकिन उन्होंने सामने से ही जब छुट्टी दिया तो फिर हमारे पूरे लौकिक परिवार को सबको बुलाया, जैसे मामा के घर से वो आता है मौसालों तो वो सबको भी बुलाया, तो वो सब भी आए हुए थे और बड़ी धूमधाम से दोनों दादियों के प्रेजेंट में जब सूरत सेंटर का उद्घाटन हो रहा था समर्पण समारोह भी हुआ और बहुत धूमधाम से समर्पण हुआ। और बहुत सारा, जैसे कन्या की शादी होती है कपड़ा देते, बर्तन देते, सोना चांदी सब कुछ दिया और उस रीति से हमें समर्पित किया। तब से लेकर के हम बहुत अच्छी तरह से बाबा के घर में सब सेवाएं देते रहे, लेकिन जिस दिन हमने बाबा के घर में रहने का शुरू किया, लक्ष्य रखा, उसी दिन से एक लक्ष्य हमेशा मैंने रखा, मुझे कभी भी इधर उधर नहीं देखना है, मुझे एक बाबा को देखना है और बाबा को देख करके ही चलना है। और इससे भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ कि मुझे एक लक्ष्य ही मेरे जीवन का बाबा, तो मैंने कोई भी, बहुत सारी बातें आई, बहुत सारी सेन आई, लेकिन कभी भी कोई भी इधर उधर की बातों में न गए और आगे ही बढ़ते रहे। शुरुआत में 8 साल मैं सूरत में रही, उसके बाद फिर वलसाड़ में, सूरत से ही कनेक्शन में वलसाड़ सेंटर जो थे तो वलसाड़ में दीदी ने हमें भेजा। अभी 32 वर्षों से हम वलसाड़ में रह रहे हैं 88 से, और वलसाड़ में जाने के बाद तब भी वहाँ एक छोटा सा सेंटर ही था, अब धीरे धीरे वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट और दमन सिलवासा भी साथ में है, यूनियन टेरेटरी, टोटल मिलाकर वलसाड़ कनेक्शन से ही 15 सेंटर्स है। पिछले 15 वर्षों से जो हमारे सूरत सब सोने इंचार्ज, जो साकार बाबा के समय थी, जिन्होंने ही सूरत में शुरू सेवाएं, दादी ने भेजा और सेवा शुरू की। 2005 के अंदर लता दीदी को हार्ट की प्रॉब्लम हुई, बाईपास सर्जरी किया और अचानक पे ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो उनके जाने के बाद दादी प्रकाशमणि जी, मोहिनी बहन और बड़ों ने सूरत सब जोन की जिम्मेवारी हमको दिया, तो 2005 से हम सूरत सब जोन की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, जिसमें सूरत, बलसार और बारडोली जो तापी डिस्ट्रिक्ट है, ये टोटल मिलाकर 35 सेंटर्स है और ये सभी सेंटर्स की जिम्मेवारी हम निमित बन करके संभाल रहे हैं। तो उसके साथ में विशेष ये हमारे जो भाई लोग हैं, दैवी परिवार, बाबा की सेवाएं देश विदेश में चलती रहती है, ये भी हमारे जो दैवी परिवार के हैं जो अमेरिका से आए हुए हैं, लेकिन इनका नेटिव वलसाड़ है। तो ऐसे बाबा के, आप सब तो जानते होंगे, गुजरात से बहुत सारे गुजराती विदेशों में बसते हैं, तो समय प्रति समय कोई न कोई देश में स्थानों पर जा, हाँ, हमारे यही ईश्वरीय परिवार के निमंत्रण पर जाना होता है। तो उसी रीति से भी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, अमेरिका, लंदन, रशिया, सभी स्थानों पर भी चक्कर लगाते रहते हैं। तो आज भी बहुत अच्छा एक मौका मिला, अचानक के पार्ट में ये परिवार से मिलना था, बहुत खुशी हुई कि चलो, हमें दीदी का भी बहुत प्यार भी था, निमंत्रण भी था, कभी आपको कानपुर आना है, कानपुर आना है,
तो देखो अचानक के पार्ट में कैसे बाबा ने आज हमें यहाँ पर बुला लिया। तो आप सबसे मिल कर के भी बहुत बहुत खुशी है। ऑप्शन किशोर है और मैं भी सूरत से आता हूँ और मैं करीबन 20 साल से अभी यूएसए में रहता हूँ। सिर्फ एक ही बात करना चाहता हूँ, रंजन दीदी ने जहाँ से छोड़ दिया था, रंजन दीदी जब मेले में गए थे और मेले में कुछ खर्चा हुआ था करीबन उस टाइम 1 लाख रुपीस का, तो फिर रंजन दीदी सरेंडर हो गए, तो उसका फिर दादियों ने पूछा तो आप तो बहुत महंगी पड़ी है, 1 लाख रुपये की पड़ी है हमको तो। और फिर वो बात क्या थी कि जब ये मेला हुआ था और मेले के टाइम उस टाइम पर 1977 में 1 लाख रुपये का खर्चा किया था, सूरत के अंदर 1 लाख लोगों ने मेला देखा था, 1 लाख का खर्चा किया, 1 लाख लोगों ने मेला देखा जिसमें से 5,000 लोगों ने राज्योग शिविर किया और वो 5,000 लोगों में से मैं एक निकली जो मैं बाबा के ऊपर समर्पित हुए। इसीलिए हमेशा हमारी बहनें मुझे यही कहती थी कि आप एक को निकालने के लिए हमने 1 लाख का खर्चा किया है, और अगर आज की मूल्य को ही याद करें तो बाबा ने आज कहा एक एक रत्न लाखों करोड़ों रुपयों का है, तो बस वो एक रत्न बाबा का, बाप का परिचय और वो एक रत्न मिल गया, मेरे लिए लाखों करोड़ हो गए हैं। तो वो एक रत्न और उससे मैं बाबा की बन गई, तो 5,000 लोगों ने शिविर किया उसमें से मैं एक निकली जो बाबा के ऊपर बलिहार हुई, समर्पित हुई। तो हमारी बहनें हमें हंसती थी उस समय पर कि आपके लिए हमने 1 लाख का खर्चा किया है तो आपको 1 लाख वसूल करना पड़ेगा। मैं कहती थी, नहीं नहीं थी, तो मैं कहती थी 1 लाख तो क्या, मैं कितना करके दे दूँगी। फिर मैं भी उन्हों के साथ हंसी मजाक, क्योंकि समान थे तो मैं हंसी मजाक करती थी बहनों के साथ। मैं कहती थी अरे छोड़ो ना, मैंने देखा कि आपका 1 लाख भी पानी में जा रहा है तो मैंने आकर के आप लोगों की इज्जत रख ली है।